आपका 8 आना रुपया वहां भी बच जाएगा। 8 आना इधर से बच रहा है, 8 आना उधर से बच रहा है, तो 1 टका अगर बच रहा है एक कॉपी पे, अगर आपने मान के चलिए अभी तक 500 कॉपी दिन भर में सप्लाई करके 500 रुपया कमा रहा था, तो यही 500 पीस सप्लाई करके 1000 रुपया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नंदकेश ब्लॉग, और इस चैनल पे तमाम तरह की बिजनेस की जानकारियां देते हैं और छोटे बिजनेस को कैसे बड़ा किया जाए उसकी जानकारी देते हैं, और इस बिहार में एक उद्योग की क्रांति कैसे हो उस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें जिसको आना है हम लोग स्वागत करते हैं। आइए मिलके एक नया बिहार बनाने में काम करते हैं, क्योंकि उद्योग ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो आज जो दोस्तों हम आपसे बात करेंगे वो करेंगे नोटबुक बिजनेस को नए तरीके से कैसे कमाएं। बिजनेस को बहुत सारा बिजनेस में पूंजी का दिक्कत आ रही है, नोटबुक बिजनेस में कमाई में प्रॉब्लम आ रही है बहुत लोग को, तो वो लोग कमेंट करके बोल रहे हैं सर नोटबुक पे एक वीडियो बनाइए। तो नोटबुक में आपका इनकम कैसे बढ़े आज उस पर जोर हम देंगे, और उसको अगर सटीक तरीके से आप लोग काम करिएगा तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका बिजनेस दौड़ने लगेगा। तो आज जो नोटबुक को आज जो नोटबुक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े रहें, और हर एक छोटे से छोटे जानकारी आज नोटबुक की देंगे जिसमें कि आपको कमाई करने में दिक्कतें नहीं आएगी। अगर अभी तक आप नोटबुक से एक कॉपी पे 50 पैसा, 1 टका, 2 टका कमा रहे हैं, तो आज ऐसी जानकारियां आपको देंगे उसमें से आपका 20 पैसा, 8 आना, 4 आना इंक्रीज हो जाएगा और आपको नोटबुक का बिजनेस करने में बहुत आनंद आएगा। तो आज जो जुड़े हुए हैं ध्यान से मेरा वीडियो देखिए, हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और क्या क्या बात करने वाले हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा काला चिट्ठा जो है आज खोल देंगे नोटबुक पे बिजनेस का। और कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो अगर जिसने भी देख लिया उसको नोटबुक के बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जरा ध्यान से देखिए, हम स्टार्ट करते हैं नोटबुक के बिजनेस को कैसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कमा सकें। जैसे कि आप लोग मेरा ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, साइज के बारे में बताया था और इसमें जीएसएम के बारे में हमने बताया था और इसमें आपको बहुत सारी जानकारियां दी थी नोटबुक की, तो आई बटन पे है उसको क्लिक करिएगा दोस्तों, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा तो ये वीडियो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो नोटबुक जब स्टार्ट करते हैं तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें आती है प्राइस रेट में। प्राइस रेट को कैसे कम करें ताकि प्रॉफिट मेरा ज्यादा हो जाए, और जब प्रॉफिट आपका ज्यादा होने लगेगा तो उस बिजनेस का ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगा और उस बिजनेस को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो देखिए, एक जैसे कि ये कॉपी है, ये आप देख सकते हैं ये 20 वाली कॉपी है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये 20 वाली कॉपी है और इसका जो साइज है ये साइज है 54x79। अब सुनिएगा ध्यान से, इस कॉपी की साइज है 54x79 और इसका जो मार्केट प्राइस अभी है 12 रुपया 50 पैसा और इसकी पेज है 120 पेज, गोल्ड पेपर है, ये 54 ग्राम का पेपर है, गोल्ड पेपर है और इसका मार्केट प्राइस है 12.5 रुपया जो कि 20 रुपया में बिकता है होलसेल, और बन के तैयार जो ये होता है अभी आप लोग का वो लगभग 12 रुपया 11 रुपया 50 पैसा में। लेकिन अब इसको कैसे हम कॉस्टिंग गिरा सकते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा, और एक बार आपने समझ लिया तो भर भर के पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी इसका साइज हमने बताया, ये साइज है 54x79 और इस साइज में अभी 5 रिम आता है और 1 रिम में 500 सीट होता है। सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, ये जो 54x79 साइज है इसको कर लेना है 53x78,
बावन अठहत्तर, देखिए थोड़ा सा ये कट होगा और थोड़ा सा एक छोटा हो जाएगा, उस छोटे में आपका एक पीस का जो रेट है सीट वाइज उसमें कटौती आ जाएगा और मार्केट में आप पता भी नहीं चलेगा। जरा सा 19 होगा पेपर और उस पेपर में आपका जैसे 500 सीट आता है तो मान के चलिए इतने में ज्यादा सीट आ जाएगा, इतने पैसा में जब ज्यादा सीट आएगा तो मान के चलिए एक बंडल आप बनाते उसमें 10 कॉपी ज्यादा निकल जाएगा, और एक बार 10 कॉपी ज्यादा निकल गया तो 130 रुपया तो ऐसे पूरे चट्टी में आपको बचत हो गया, और उस चट्टी में अगर 500 पीस कॉपी है तो लगभग 20-25 पैसा तो ऐसे इंक्रीज हो गया। ये था नंबर वन पॉइंट कि साइज को कम करके ऑर्डर बनवाइए, जो साइज है उससे हल्का 19। मार्केट में अभी चल रहा है चोरी, और इस चोरी के मार्केट में आप लोग भी चोरी नहीं करिएगा तो खाली अजंता लोग करेगा चोरी, तो आप लोग को भी चोरी करना होगा, क्योंकि अब इस मार्केट का एक ही लक्ष्य है प्राइस जो कम देगा उसी का माल बिकेगा, तो आप लोग को भी प्राइस कम करने के लिए साइज छोटा पहले कर लेना है। और ध्यान से देखिए, अब तो साइज आपने कम करा लिया, अब जीएसएम जो 54 जीएसएम माल हम ले रहे थे 48 जीएसएम माल लेंगे, अब 48 जीएसएम माल लेने से क्या होगा, जो मेरा पहले 5 रिम आ रहा था उतने पैसे में अब 6 रिम आएगा। अब देखिए खेल कहां हो रहा है, वो लोग कहां खेल खेल रहे हैं जरा ध्यान से देखिए, 54 ग्राम आप लोग बेचते हैं, वो लोग आप लोग को 54 ग्राम माल देता है, और अपना माल जो वो लोग बनाता है 48 ग्राम में बनाता है, चोर साइज बनाता है, और इस चोर साइज के वजह से मार्केट में उसका माल बिक रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, और आपका माल भी नहीं बिक रहा है, बिक रहा है फायदे नहीं हो रहा है, दोनों काम हो रहा है, तो इससे आप नुकसान में जा रहे हैं, और नुकसान में जाने के बाद आप लोग मान के चलिए बंद करना पड़ जाता है कंपनी। तो यहां से उठने के लिए ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका है कि आपका जो कतरन कटता है, कतरन कतरन कंपनी ही लेती है, और एक बार कतरन का रेट बता देते हैं आपको, एक किलो का रेट कतरन का है 15 रुपया 16 रुपया, तो लगभग आप जब दो बंडल तीन बंडल जब माल कटता है एक कुंटल में तो कतरन भी मान के चलिए गिरता है, तो कतरन से आपका बिजली बिल ऐसे माफ हो जाएगा, इतना कतरन कट जाएगा कि आपका बिजली एक रुपया नहीं लगेगा, और उसको कम करने के लिए आपके पास नुस्खे हैं, जैसे कि मान के चलिए आप लोग अभी छोटे उद्यमी हैं, छोटे लेवल पे काम करते हैं, तो डायरेक्ट जाके गांव में सप्लाई दीजिए, नोटबुक को बनवाइए और डायरेक्ट छोटे दुकानदार को दीजिए, होलसेलर को मत दीजिए, तो आपका 8 आना रुपया वहां भी बच जाएगा, 8 आना इधर से बच रहा है, 8 आना उधर से बच रहा है, तो 1 टका अगर बच रहा है एक कॉपी पे, अगर आपने मान के चलिए अभी तक 500 कॉपी दिन भर में सप्लाई करके 500 रुपया कमा रहा था, तो यही 500 पीस सप्लाई करके 1000 रुपया कमाएंगे, तो ये होता है बिजनेस का तरीका। स्टार्टिंग फेज की हम बात कर रहे हैं, जब आपका बिजनेस छोटा है और आपको धीरे धीरे डेवलप करना है बिजनेस को, तो ये एक तरीका होता है बिजनेस को डेवलप करने का, उसके बाद धीरे 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 ग्रोथ बनते जाता है, और एक बार ग्रोथ में जब आ जाइएगा तो फिर तो दूर भी माल जाएगा और उसमें आपको प्रॉब्लमें भी नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपके पास कैपिटल नहीं है तो ट्रक नहीं मंगा सकते हैं, तो ट्रक जब तक नहीं मंगाएगा तो वहां तो कॉस्टिंग कम होने का चांस नहीं है, जो रेट में माल मान के चलिए अभी गोल्ड चल रहा है 44 रुपया मान के चलिए, तो आपको तो 42 रुपया कोई नहीं देगा, लेकिन ट्रक भर के लीजिएगा तो 40 रुपया में माल आ जाएगा आपका, तो यहां पे 4 रुपये का गैप आप तो अभी कम नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहीं पे अपना काम करना होगा कि छोटे दुकानदार को जोड़ना होगा और चोर साइज माल बना के बेचना होगा,
ये सब नोटबुक का एक तरीका होता है बिजनेस को डेवलप करने का, जो पूरे आपको हिंदुस्तान में कोई नहीं बताएगा ये सब चीज, क्योंकि उसको लगेगा आप डेवलप कर जाइएगा। लेकिन मेरा मकसद है सबको समृद्ध करते हुए आगे बढ़ना। जब तक आप लोग समृद्ध नहीं होंगे तो एक आदमी समृद्ध होने से बिहार विकसित, यूपी विकसित नहीं होने वाला है, झारखंड विकसित नहीं होने वाला है। तो आप लोग एक मजबूत तीर से खड़े रहिए, स्टैंड करिए, और बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद उसको स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए आगे बढ़िए। और कहीं मुश्किलें आती है, कहीं दिक्कतें आती है, तो एक बार हमसे सलाह ले लीजिए, संपर्क कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। तो ये सब तरीके होते हैं नोटबुक को बिजनेस को बढ़िया से चलाने का। तो आज आपको बताया किस तरह से अपना आप पैसे को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है छोटा साइज बनाने का, तो इस तरह का काम करना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों, आप लोग का दिवाली तो मन गया होगा, उम्मीद करते हैं अच्छा दिवाली आप लोगों ने मनाया होगा। हम लोग भी दिवाली मना लिए हैं। फिर आपको आज के लिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट दिन किसी और उद्यमी के साथ हो सकती है मेरी मुलाकात, तो उसका भी बिजनेस आपको दिखाएंगे, और उसका जो बिजनेस है किस तरह से चल रहा है वो भी दिखाएंगे, किस तरह से सक्सेस हो रहा है वो भी स्टोरी आपको लाएंगे। अगर किसी को अपना स्टोरी चलवाना हो तो वो भी हमसे संपर्क करके आपको स्टोरी चलवा सकते हैं। मेरा नंबर है, इस पे कॉल करके आप आसानी से हमसे जुड़ के बिना कोई कॉस्ट दिए, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना स्टोरी साझा करके हम उनका स्टोरी रिलीज करेंगे और एक अच्छा मुहिम चलाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, लाइक जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।